हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होगी, आप लोग देख सकते हैं, ये बैटरी से रिलेटेड है। आपको स्क्रीन पे बैटरी दिखाई दे रही होगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मेनली बैटरी से रिलेटेड है, और बैटरी में भी कौन सी बैटरी से रिलेटेड है, सोलर बैटरी और आपकी जो नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, उन दोनों से रिलेटेड है। दोनों बैटरी के अंदर, सोलर की बैटरी के अंदर और नॉर्मल रेगुलर बैटरी के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन सी बैटरी ज़्यादा अच्छी होती है, कौन सी बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है, कौन सी बैटरी का चार्जिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम आज सबसे पहले देखेंगे, और दूसरी बात वारंटी की बात करेंगे, कौन सी बैटरी का बैकअप अच्छा होगा, कौन सी बैटरी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ की जा सकती है, किस बैटरी की वारंटी पीरियड ज़्यादा होगा और क्यों ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें आज हम इस मतलब वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके शुरुआत करते हैं पॉइंट वाइज। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ से लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवाता हूँ चीज़ें, फिर मैं आपको ये इमेजेस दिखा के उन चीज़ों को वेरीफाई करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो भी समझ में ना आए पॉइंट वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछना। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए, अगर हम दो तरीके की बैटरी ले रहे हैं, एक हमारी रेगुलर बैटरी है और एक हमारी सोलर बैटरी है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं। ये वाली हमारी हो गया सोलर का पोर्शन, जो सोलर की बैटरी का पोर्शन है, और ये वाली हमारी होगी नॉर्मल बैटरी, ठीक है। ये होगी हमारी नॉर्मल बैटरी। अब दोस्तों, इसमें देखिए, अगर नॉर्मल बैटरी है और सोलर बैटरी है, तो इसमें हम क्या डिफरेंसेस है वो एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले, तो दोस्तों, पहला डिफरेंस जो है वो हमारा, अगर हम बात करें तो वो एज की टर्म में बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एज देखते हैं बैटरी की, तो ये हमारी 3 to 5 ईयर्स होती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बैटरी की बात करें तो इसकी जो एज है हमारी वो 3 to 5, या कोई कोई कंपनी आपको 4 to 6 ईयर्स की, और मतलब एज बताएगी कि आपकी जो बैटरी है इसकी एज 4 से 6 साल हो सकती है, एज पर द यूसेज, जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ये कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपको कोई कंपनी हो सकती है कि 3 से 5 साल बताए, कोई कंपनी हो सकती है कि 4 से 6 साल बताए, और इतनी ही लाइफ होती है बैटरी की, ठीक है। नॉर्मल बैटरी आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसकी लाइफ इतनी ही होगी। दूसरी, अगर हम सोलर बैटरी की बात करें, तो सोलर बैटरी की एज हमारी 8 से और 10 साल तक भी जा सकती है, ठीक है। 8 to 10 ईयर्स तक हमारी सोलर की बैटरी काम कर सकती है। और अगर रेगुलरली, कुछ कंपनीज बोलती हैं कि 7 to 9 ईयर्स हो सकती है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करते हैं वैसे, लेकिन हमारे जो आप देख सकते हैं यहाँ से एज में डिफरेंस देख सकते हैं 3 to 5 ईयर्स या 4 to 6 ईयर्स में, और 7 to 9 और 8 to 10, मतलब ऑलमोस्ट डबल एज हो जाती है हमारी सोलर बैटरी की, ठीक है। उसका रीज़न है, क्यों, क्या रीज़न है हम बताएंगे आपको। तो अगर नॉर्मल बैटरी है तो उसकी एज हमारी कम होती है, और सोलर की बैटरी है तो उसकी एज हमारी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, पहला जो डिफरेंस है दोनों में वो डिफरेंस आपको यहाँ से मिल गया। दूसरा, अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो दूसरा डिफरेंस होता है हमारा, अगर सपोज हम यहाँ पे भी 150 Ah की बैटरी ले रहे हैं, ठीक है, ये 150 Ah की बैटरी होगी, और ये हमारी 150 Ah की बैटरी होगी सोलर वाली। तो दोस्तों, इन दोनों में जो हमारा रूल फॉलो होता है, यहाँ पे हमारा C20 बैटरी होती है और यहाँ पे हमारी C10 बैटरी होती है, ठीक है। तो ये C20 बैटरी और C10 बैटरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया। अब ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि C20 और C10 क्या है। तो C डिफाइन करता है एक तरह से चार्जिंग रेट को, ठीक है। C यहाँ पे जो डिफाइन करता है वो चार्जिंग रेट को डिफाइन करता है। अब ये चार्जिंग रेट का क्या मतलब है, यहाँ पे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, ये या फिर हमारा कितना मैक्सिमम लोड उस पर हम चला सकते हैं बैटरी पर, तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं C मतलब कैपेसिटी, तो कैपेसिटी हमारी जो है 150 Ah की है दोनों साइड, तो ये 150 Ah हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 150 Ah हो गया हमारा, क्योंकि हमारी दोनों बैटरी ही, चाहे वो सोलर की बैटरी हो चाहे वो नॉर्मल बैटरी हो, दोनों ही हमारी 150 Ah की है। अब यहाँ पे C20 का मतलब ये है कि इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे C10 का मतलब ये है कि हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से 10 और 20 जो आवर्स हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं, एच से एच कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 20 से 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5, ठीक है। और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 15। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये C20 बैटरी है, जो कि नॉर्मल वाली इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज़ करते हैं हम, और C10 जो बैटरी है वो बैटरी है हमारी
जो हम यूज करते हैं सोलर के लिए, ठीक है, सोलर बैटरी जिसको हम बोल रहे हैं। तो C10 पे कौन सी काम करती है? सोलर बैटरी। C20 पे काम करती है हमारी नॉर्मल बैटरी। अब यहाँ से हमने कैलकुलेट किया C20 से, तो 150Ah/20 कर लिया, और C10 से किया तो 150Ah/10 कर लिया। यहाँ से आवर कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमारे 7.5 आया है इस केस में, जो कि हमारी नॉर्मल बैटरी के केस में आया है। C20 के केस में कितना हमारा आया? 7.5 एम्पियर, ये 7.5 एम्पियर हो गया, और सोलर बैटरी के केस में 15 एम्पियर हो गया। तो दोस्तों ये क्या डिनोट कर रहा है? 7.5 एम्पियर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, और 15 एम्पियर हमारा क्या डिनोट कर रहा है? बेसिकली ये हमारा जो 7.5 एम्पियर है, ये हमें चार्जिंग पैटर्न को दिखा रहा है और डिस्चार्जिंग पैटर्न को दिखा रहा है। मतलब कि अगर हम किसी बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, अगर नॉर्मल बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो हम उसको किससे करेंगे? 7.5 एम्पियर से मैक्सिमम डिस्चार्ज या चार्ज कर सकते हैं, इन केस ऑफ 150Ah बैटरी। ठीक है, अगर हमारे पास 150Ah की बैटरी है और उसको हम चार्ज या डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो मैक्सिमम करंट होगी, चार्जिंग की मैक्सिमम करंट या डिस्चार्जिंग की मैक्सिमम करंट, वो हमारी 7.5 एम्पियर हो सकती है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हमारी, देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हमारी 7.5 कौन से केस में? अगर हमारी नॉर्मल बैटरी है तो, ठीक है, नॉर्मल रिचार्जेबल बैटरी जो घर में यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारा अगर 15 एम्पियर जो दिख रहा है, ये कब है? जब सोलर की बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं। तो सोलर बैटरी में हम क्या कर सकते हैं? 15 एम्पियर से चार्ज भी कर सकते हैं और 15 एम्पियर तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं टू द सेम बैटरी। 150Ah बैटरी की ही बात चल रही है, ठीक है, 150Ah की भी बैटरी है। अब आप डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं कि एक बैटरी को हम 15 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं, 15 एम्पियर तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, दूसरी बैटरी को हम 7.5 एम्पियर तक चार्ज कर सकते हैं और 7.5 एम्पियर तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हम इस चीज़ से ये रिलेट नहीं कर सकते हैं कि हम जो चार्जिंग कर रहे हैं, चार्जिंग का मतलब तो हो गया हमारा अलग, लेकिन डिस्चार्जिंग के केस में तो मतलब लोड चला रहे हैं हम बैटरी पे। डिस्चार्जिंग तभी होगी जब हम बैटरी से लोड रन कराएंगे, कोई भी इक्विपमेंट को कनेक्ट करेंगे। तो इससे आप लोग ये भी समझ सकते हैं ना कि हम जो सोलर की बैटरी है उस पर ज़्यादा लोड चला सकते हैं, 15 एम्पियर से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, और अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल बैटरी की, तो उसमें 7.5 एम्पियर तक ही डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोलर वाली बैटरी वो ज़्यादा पावरफुल बैटरी है, क्योंकि उसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही हाई रेट से कर पा रहे हैं। 15 एम्पियर से हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि 15 एम्पियर तक का हम उस पर लोड चला सकते हैं। ये आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला अगर क्लियर नहीं हुआ है पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और समझ में आ गया तभी भी आप ओके लिख सकते हैं कि मुझे क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना ही मेरा मकसद है, और वो समझ नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ये इससे क्लियर ये हुआ कि जो नॉर्मल बैटरी है वो हमारी कम पावरफुल है, और जो हमारी सोलर बैटरी है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर हम ज़्यादा एम्पियर का लोड चला सकते हैं और नॉर्मल बैटरी के अंदर हम कम एम्पियर का लोड चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इससे देखो एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारी जो बैटरी है वो पावर, यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको कौन सी बैटरी ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी बैटरी कम पावरफुल है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब आप दोस्तों एक चीज़ बताओ, जब आपको पता है कि कोई बैटरी की एज 3 से 5 साल होगी, और ये आप मान लो कि यहाँ पे 7 to 9 years ही मैं ले लेता हूँ, तो 7 to 9 years ये बैटरी की लाइफ होगी, तो आप एक चीज़ बताओ वारंटी कौन से की ज़्यादा होगी? वारंटी ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसकी एज ज़्यादा है उसी की वारंटी ज़्यादा देगी कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बैटरी की हमें वारंटी भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि वारंटी किसकी ज़्यादा देगी? जिस पे बिलीव होगा, जौन सी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी जो बैटरी की वारंटी मिलती है वो ज़्यादातर 36 मंथ मिलती है। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारी बैटरी की वारंटी होती है 36 मंथ मिलती है, वारंटी हो या गारंटी हो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट ये 36 महीने की होती है, और इसमें हमारी 5 साल की भी मिल जाती है। ठीक है, 5 साल तक की वारंटी मिल जाती है हमें इस केस में, सोलर बैटरी केस में 5 साल की, 6 साल की, ठीक है, एज़ पर द कंपनी पॉलिसी वो मिल जाती है, बट 5 साल तक की वारंटी इसमें हमें मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो गया, तीसरे वाला आपको कि कौन सी बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, कौन सी बैटरी की रेटिंग ज़्यादा है, कौन सी बैटरी को हम ज़्यादा एम्पियर से चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये भी क्लियर है, और तीसरी बात हमारी वारंटी कौन सी बैटरी की ज़्यादा होगी, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप रेट की बात करते हैं हम, देखो रेट कौन सी का हाई होता है, कौन सी का कम होता है। अगर हम 150Ah की बैटरी ले रहे हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों 150Ah की बैटरी हैं, और ये कौन सी होगी? ये C20 बैटरी होगी और ये C10 बैटरी होगी। तो C20 बैटरी है एक, एक C10 बैटरी है, इसका जो हमारा प्राइस होगा, अगर एक अंदाजन हम ले लें, सपोज इसका प्राइस अगर 10,000 रुपये है एक सेल का,
तो यहाँ पे कितना होगा उसी का 15,000 की रेंज में होगा, ठीक है। सेम बैटरी की 150Ah की जो कॉस्टिंग होगी वो यहाँ पे 10,000 है अगर, तो यहाँ पे हमारी 15,000 होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, 10,000 की बैटरी है तो वो 15,000 की मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली मिलनी भी चाहिए अगर उसकी रेटिंग लाइफ ज़्यादा है, उस पर हम ज़्यादा लोड चला सकते हैं, बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, वारंटी ज़्यादा है, कॉस्टिंग तो ऑब्वियसली ज़्यादा होनी ही है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। अब दोस्तों हम जो लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी बैटरी लगवानी चाहिए अपने घर में, ठीक है। तो आपको कौन सी बैटरी लगवानी चाहिए उसके लिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा आपकी डिमांड पे। तो ये डिमांड क्या है आपकी, मान लो कि आप दो से तीन साल के अंदर अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं अपने घर में, अगर आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं 2-3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से सोलर बैटरी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। सोलर बैटरी आपको लगवानी चाहिए क्योंकि सोलर बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, आपको अच्छा बैकअप दे सकती है, आपका ज़्यादा लोड को चला सकती है, चार्जिंग हाई रेट से कर सकते हैं। अब देखो चार्जिंग हाई रेट से क्यों करते हैं हम सोलर बैटरी की, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो अगर हम नॉर्मल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हम उसको चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है ऑल द टाइम, ठीक है। लेकिन हमारा जो सोलर एनर्जी है वो तो हमारी कितने घंटे होती है, 6 से 8 घंटे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। सोलर एनर्जी हमारी 6 से 8 घंटे ही होती है, तो जब 6 से 8 घंटे होगी तो नाइट में कहाँ से सोलर लेके आएंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि जितना भी हमारा सोलर जनरेशन है उसको मैक्सिमम रेट से यूटिलाइज़ कर लेना है। हम क्या करते हैं, चार्ज कंट्रोलर लगा के रखते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। तो जो चार्ज कंट्रोलर है वो हमारा क्या करता है, बैटरी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चार्जिंग को मतलब डिफाइन करता है, मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल करता है एक तरह से, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर हमारा क्या करता है कि बैटरी की रेटिंग के अकॉर्डिंग उसकी चार्जिंग को, चार्जिंग पैटर्न को कंप्लीट कराता है, ठीक है, या फिर उसको बढ़ाना या घटाना जो भी है, अगर चार्जिंग वोल्टेज बढ़ाना या घटाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट करता रहता है, ठीक है। ये काम हो गया चार्ज कंट्रोलर का, नाम से पता चल रहा है चार्ज को कंट्रोल करता है कि कब हमें बैटरी को ज़्यादा चार्ज देना है, कब हमें बैटरी को कम चार्ज देना है, या फिर लेने के लिए भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पैटर्न को वो एक तरह से फॉलो करवाता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सोलर तो आपका 6 से 8 घंटे अवेलेबल है, तो जितने घंटे अवेलेबल है उसको हमें मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, इसीलिए हम सोलर बैटरी यूज़ करते हैं, क्योंकि सोलर बैटरी हमारी ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो सकती है क्योंकि उसकी C10 रेटिंग पर वो काम करती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब देखो एक डाउट और आ सकता है आप लोगों को, वो डाउट ये है कि हमारे, एक तो क्लियर हो गया आपको, अगर आपको 2-3 साल के अंदर सोलर लगवाना है तो आप सोलर बैटरी ही यूज़ करिए, अगर आपको नॉर्मल बैटरी यूज़ करनी है, अगर मान लो आप सोलर नहीं लगवाना चाहते हैं तो उसमें नॉर्मल बैटरी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल बैटरी जो है अगर आप उसको मान लो कि 150Ah की बैटरी है, अगर आप इसको 15 एम्पियर से कंटिन्यू चार्ज करोगे तो ये बैटरी ख़राब हो सकती है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि ये जो बैटरी है ये इस तरह के पैरामीटर्स के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो इसको क्या है, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट अवेलेबल होगी तो इसको कंटिन्यू चार्ज करती रहेगी तो ओवरहीटिंग होगी, ओवरहीटिंग होने से गैसेस निकलेंगी, वाटर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा ड्राई होता चला जाएगा, ठीक है, उसमें पानी ख़त्म हो जाएगा, बेसिकली ये बोल सकते हैं। बैटरी के अंदर जो हम डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं वो डीमिनरलाइज्ड वाटर हमारा ख़त्म होता चला जाएगा और उससे हमारी बैटरी ड्राई होगी, बैटरी ड्राई होने की वजह से वो बैटरी ख़राब होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बाकी अब मैं इनको वेरीफाई करवा देता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये आपकी नॉर्मल वाली बैटरी है, माइक्रोटेक की लॉन्ग लाइफ बैटरीज, इन्वर्टर बैटरी है नॉर्मल, तो इसमें आप देख सकते हैं ET2460 के नीचे लिखा हुआ है 150Ah और C20 बैटरी है, तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि कौन सी आपकी नॉर्मल रेगुलर बैटरी है और कौन सी आपकी सोलर बैटरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C20, तो ये C20 बैटरी हमारी नॉर्मल इन्वर्टर वाली बैटरी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें वारंटी दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 30 मंथ्स की वारंटी दिख रही है, तो ये 150Ah की बैटरी है लुमिनस की और इसकी 30 मंथ की यहाँ पे वारंटी दिख रही है, ठीक है। आप नेक्स्ट के लिए देखिए, ये आपकी सोलर बैटरी है, सुकैम की सोलर बैटरी है, तो सुकैम की सोलर बैटरी यहाँ से ये C10 की बैटरी होगी, ठीक है, ये भी आपकी सोलर बैटरी दिख रही है आपको। यहाँ पे देखिए 150Ah और ट्यूबुलर बैटरी है, 36 मंथ की यहाँ पे वारंटी दिख रही है आपको, ओके दोस्तों। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप, ये सोलर बैटरी आपको दिख रही है, ये 40Ah की बैटरी है, C10 आपको दिख पा रहा होगा रेटिंग C10, तो C10 से आप समझ में आ गया होगा आपको कि भाई ये सोलर की बैटरी है, ये हमारी नॉर्मल रेगुलर बैटरी नहीं है, तो ये सोलर बैटरी है, इसी से आप पहचान कर सकते हैं।
और सोलर बैटरी की बाकी सारे पैरामीटर्स मैंने बता ही दिए आपको। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये प्रॉपर नॉलेज मिल सके और आप अपने घरों में जो बैटरी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।